दिल्ली आके बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली शहर कमाल का है और दिन के अंत में आपसे मुलाकात हो रही है, बढ़िया है। अच्छा मोहित, मैं मतलब जहाँ तक देखता हूँ, जैसे महादेव के टाइटल से आपको सब जानते हैं, लेकिन जैसे न्यू जनरेशन जो है, पहले के लोग तो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे तो वो अटैच हो जाते थे, रामानंद सागर वाली जो हमने देखी हो, लेकिन इस टैबू को आप ब्रेक करके निकले, फ्रीलांस और भौकाल, ये सारी सीरीज, सो कहाँ कैसे मतलब निकले इस पार्ट से, हाउ वॉज इट फॉर यू? वेल आई मीन निकलने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज मैं कभी फंसा ही नहीं था। अच्छा। लकीली मैं समझ सकता हूँ लोगों की धारणाएं, लोगों का सोच अलग है, बिकॉज क्या होता है, ये उन दिनों की बात है जब हमारे पास, हम ये भूल जाते हैं कि उन दिनों मीडियम्स बहुत कम थे। अगर हम रामानंद सागर की बात करें, रामायण की बात करें, कृष्णा की बात करें, किसी भी मैथोलॉजिकल सीरीज की बात करें, उन दिनों हमारे पास वो लिमिटेड व्यूइंग थी। बिल्कुल सही। हमारे पास कुछ वहाँ पे सोशल मीडिया नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, कुछ ऑर्कुट नहीं था, कुछ ट्विटर नहीं था देखने के लिए कि ये इंसान रियल लाइफ में क्या करते हैं, तो हमारी एक इमेज सेट थी। बट क्योंकि लकीली मैं काम 2012 के आसपास से शुरू किया था जब इस सीरीज के बारे में, तो उस समय लोगों की व्यूइंग कैपेसिटी बड़ी अलग थी, लोगों का देखने का नजरिया बहुत अलग था। वो जानते थे कि ये इंसान यहाँ एक्टिंग कर रहा है और शाम को इसका फेसबुक पे एक पोस्ट भी आ रहा है और इसका इंस्टा पे भी एक पोस्ट आ रहा है, संडे ये कभी कभी लाइव भी आ जाता है, कभी ट्विटर लाइव आ जाता है। आई थिंक उन दिनों इंस्टा इतना नहीं था शायद, देखा से ट्विटर था, ट्विटर और फेसबुक उस पर लाइव आ जाता है याद भी। सो आई थिंक वो इंटरेक्शन की वजह से और लोगों का नजरिया बड़ा अलग था। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली लोगों का प्यार, बिकॉज वी एज इंडियंस वी कंप्लीट आई फील हम लोग फेथ और यूनिटी और डाइवर्सिटी में बहुत बिलीव करते हैं, इस वजह से लोगों का प्यार मेरे साथ हमेशा बरकरार है। बट ऑब्वियसली उसके बाद मैंने फिर अलग अलग तरीके के, और मैंने जब आपका इंस्टाग्राम देखा ना तो बहुत तगड़ी फोटोज हैं, मतलब जैसे जिमिंग की और इनकी, और जब मैं कमेंट बॉक्स में गया तो इट वाज लाइक कि हर हर महादेव, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना फैमिली का, जिसमें सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आ जाता है एकदम, बिल्कुल वो वाला नजर। तो मैं वही जानना चाहता था कि ये टैबू जो आपने ब्रेक किया कि नहीं यार, तो वो बड़ा आई थिंक वो मुझे फायदा हुआ इस, यू नो, एज पर से मैंने उसे ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज जैसे मैंने महादेव की सीरीज खत्म की थी उसके बाद मैंने टेलीविजन में अशोका की सीरीज की थी, उसके बाद मैंने एक डिस्कवरी जीत एक चैनल लॉन्च हुआ था जिसके लिए मैंने बैटल ऑफ सारागिरी पे 21 सरफरोश करके सीरीज बनी थी, वो की थी, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली फिर डिजिटलाइजेशन होने लगी, फिर बहुत सारे जनाब आग ही लगा दी, फिर तो धीरे 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 ओटीटी पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश की। सो आई थिंक लोगों का प्यार जो है वो बरकरार है, बट मैं और भी खेल रहा हूँ। आई मीन आई एम प्लेइंग, खेलने से मुझे सडनली याद आया कि युवराज सिंह ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे, यू नो, हम उसे दिमाग में लेके चलते हैं, बट उनका खेल तो चलता रहता है, उन्होंने कितनी सेंचुरीज मारी, कितनी हाफ सेंचुरीज मारी, आई थिंक वो एग्जांपल देना शायद सही हो कि यू नो यू कीप वर्किंग, यू कीप इवॉल्विंग एंड फाइंडिंग न्यू वेज एंड एवेन्यूज टू वर्क, बट ये चीजें कुछ है जो ऑडियंस का प्यार आपके साथ हमेशा बरकरार रहता है। सही कहा आपने। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर से आप हैं, वहीं से पढ़ाई भी पूरी की, अच्छा यूनिवर्सिटी भी वहीं थी, ठीक है, एक्टिंग का जो कीड़ा था ये कहाँ से निकला आपके दिमाग में? ये एक्चुअली एक आई थिंक एक रैंडमली हम ग्रैंड मास्टर इंडिया के कॉम्पिटिशन के बारे में पता चला था, तो मेरी काफ़ी सारी सिस्टर्स थी, कजिन सिस्टर्स, जिन्होंने मुझे कहा था कि आप भेज दीजिए इसमें, यू नो, अच्छा, आप पार्टिसिपेशन के लिए भेज दीजिए, तो ऐसी कुछ पिक्चर्स खिंचवा के भेज दी थी, तो वहाँ सिलेक्शन हो गई थी, तो उन्होंने बुला लिया। अच्छा। सो वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। Okay. तो उसके बाद ऑब्वियसली फिर देन मुंबई आना, फिर मॉडलिंग की दुनिया में काम करना, देन रियलाइज करना कि दिस इज नॉट समथिंग आई रियली एंजॉय इन रिलेशन, बिकॉज उन दिनों तो कुछ मालूम नहीं था, स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, सो पता चला कि नहीं, मुझे एक्सप्रेस करना, इमोट करना बड़ा अच्छा लगता है, फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग में काम करना शुरू किया था, टेलीविजन में किया, वी कैन से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, फिर वहां से एक्टिंग की कहानी शुरू हुई।